वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब ठीक ठाक हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फ्राइडे का दिन है और हम लोग उठ गए हैं, थोड़ा लेट ही उठे हैं क्योंकि आज जुमा पढ़ने के लिए नहीं जाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा आराम से उठे हैं। तो अभी ये मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे, और आलू जो थे वो मैंने रात में बॉईल करके रख लिए थे। और ये रात का क्लिप है, मैंने आलू को जो पेस्ट है वो रात में रेडी कर लिया था, और इसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, वही बेसिक चीज़ें हैं जिसमें धनिया है, ग्रीन चिली है, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है मैंने, अनारदाना डाला है, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज और सूखा धनिया, ज़ीरा, जो बेसिक स्पाइसेस हैं, और उसके साथ थोड़ा सा ऑयल शामिल करके मैं इसे मैश कर रही हूँ और इनके एक पेस्ट बना लूँगी और फिर इनके मैं रेडी कर लूँगी पराठे। तो यहाँ पे बात करते चलेंगे आजकल की सूरत हाल के बारे में। तो आजकल की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूटीन से हटकर हुई हुई है। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हैं और बहुत सारी जगह जो हैं वो बंद हुई हुई हैं, किसी बहुत से कंट्रीज़ में लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो न्यूज़ देखी जाती है, दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, परेशान भी होता है, लेकिन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देते हैं। आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है और आजमाइश चली जाती है, परेशानियां तकलीफ़ें देने वाली भी वही ज़ात है और उनको ख़त्म करने वाली भी बहुत वही ज़ात है। अभी YouTube खोलो, Facebook खोलो, कुछ भी खोलो तो कोरोना वायरस का इतना हंगामा, इतना हाइप हुआ हुआ है, इतना पैनिक हुआ हुआ है, और यहाँ दुबई में तो ऐसा नहीं है, लोगों ने सौ ही चीज़ें स्टॉक की हैं, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ की न्यूज़ देख के तो दिल इतना परेशान हो जाता है। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने इजहार तशक्कुर पेश किया है, उन्होंने अपनी इस मसले को कवर कर लिया है, और मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हर ममालिक में जल्द अज जल्द ये जो वायरस, ये वबा फैली है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। व्लॉग करने का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं होता कि बिल्कुल सैड, सुरदा और परेशानी वाली बातें की जाए, तो जो हमारा वो लोग देखें वो देख के और भी परेशान हो जाए। वो लोग करने का पर्पस ये है कि आपके साथ अच्छी खुशबाश रहे, ये में बातें की जाए, अच्छी बातें की जाए, ताकि आपका भी दिल खुश हो और आप भी वो लोग देखें और परेशानी ख़त्म हो जाए। तो बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। बस ये है कि जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ ने रिकवरीज़ करनी शुरू कर दी है, जैसा कि अभी यहाँ दुबई में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, रिकवरीज़ की जा रही हैं, इसी तरह मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा हो, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ पर सूरत हाल बढ़ती जा रही है, तो अल्लाह ताला उस कंट्री पर भी, हमारे उस कंट्री पर भी अपनी रहमत करे और वहाँ पर भी अच्छे इकदाम किए जाएँ कि ये वायरस जो है ये ना बढ़े। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग के व्लॉग है, सुबह का टाइम है, तो अभी मैं पराठा रेडी कर रही हूँ और इसमें मैं ये पुडिंग डालूंगी। मैं आलू वाला पराठा कई तरीक़ों का बना लेती हूँ, तो अभी ये बेसिक बनाऊंगी। तो इसमें यह है कि इसमें आप छोटे छोटे से दो पेड़े लेते हो और उसे आप बेल लेते हो, और उसके अंदर जो है ये पराठा पुडिंग जो है वो आप डाल लेते हो और उसे बंद करके पका लेते हो। इसके अलावा एक और भी है जिसमें फुल पेड़ा बनता है, रोटी की तरह हम फुल पेड़ा लेते हैं और उसके अंदर हम पुडिंग डाल के तो उसे हम उसके बाद बेलते हैं। तो दो तीन तरीके हैं इसके, आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, पराठे खा लिए थे हम लोगों ने, मैंने एक ही दिखाया है आपको। तो इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो लंच में मैंने रेडी किया है दाल चावल जो कि दूसरी तरफ बन रहे हैं, उसकी मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही बेसिक होते हैं और फिर हर चीज़ की वीडियो दिखाने से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो दाल चावल मेरे रेडी हो रहे हैं, इसके साथ मैं आपके साथ आज एक शेयर करूँगी, एक सलाद भी कह सकते हैं उसे, और सलाद ही कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। तो ये जो है इसे तबूले भी बोला जाता है, तबूली भी बोला जाता है, तबूलह भी बोला जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम है, ये इसका अरेबिक नेम है, और ये लेबनानी लेवेंटाइन लेबनानी वेजिटेरियन सलाद है जिसमें बहुत ही फाइनली चॉप्ड करते हैं हम टमाटर को, पार्सले, मिंट,
ओनियन बल्गर होता है, और इसके अंदर आप सीजनिंग में सॉल्ट पेपर डालते हो, ऑलिव ऑयल डालते हो और लेमन जूस डालते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की सलाद लगती है। आप लबनानी होटल्स में अगर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप ख़ास तौर पे देखते हैं, या कहीं भी लबनानी खाना हम खाते हैं या लबनानी डिशेस में हम लोग देखते हैं, तो हमें एक बहुत ही ग्रीन तरह की कोई एक वेजिटेबल एक सलाद सी नज़र आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ओ ये कैसे बनती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये आप बल्गर में भी बना सकते हो। बल्गर जो है वो एक आप कह लें कि जो गंदम है उसी की एक फॉर्म है, उसी की एक बिल्कुल मतलब कि छोटी फॉर्म है। तो इसमें आप क्यूनो की को भी डाल सकते हो बलगर की जगह। क्यूने भी एक तरह की एक चीज़ होती है, जो कि गंदम की ही एक चीज नस्ल है, नस्ल कह लें, उसी से निकलती है। तो वो भी हम अपने खाने में काफ़ी यूज़ करते हैं। और ये है बलगर, और ये बलगर को मैंने पानी में डाल के भगो लिया था। हाफ एन आवर के लिए आपने इसे भगोना है गर्म पानी में, तो इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, ये वेट हो जाएगी। तो अभी जो है वो मैं पुदीने के पत्ते जो है वो बिल्कुल सेपरेट कर रही हूँ, डालियाँ इसकी अलग-अलग कर रही हूँ, और इसे मैं बिल्कुल कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड कर लूँगी। आपने इस सलाद में एक चीज़ को लाजिम मद्देनजर रखना है, वो ये है कि आपने इसे चौपड़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आप सोचे कि यार हाथ के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, चलो चौपड़ के साथ कर लेते हैं, तो चौपड़ के में आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, वो किसी भी किस्म का चौपड़ हो, बिकॉज चौपड़ में अगर आप ये हर्ब्स करेंगे तो ये हर्ब्स आप बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो है वो पानी छोड़ देंगे और सलाद का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सलाद का बिल्कुल भी वैसा अरोमा और वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा कि इसका एक बेसिक और अथेंटिक टेस्ट होता है। और ये है ग्रीन ओनियन, ये भी इसके अंदर जाता है। तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी और फाइनली तरीक़े से आपने चॉप्ड कर लेनी है। इसमें मैंने सारी चीज़ें चॉप्ड कर दी है, पार्सले मिंट हर चीज़ डाल दी है, साथ में मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है, लेमन जूस डाला है, और बलगर डाल के मैंने इसे कर लिया है रेडी। और ये हो गए हैं मेरे दाल चावल रेडी, और रात में मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया था, वो भी मैंने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा खाया जाएगा, और साथ में है ये तबूले। तो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी रेसिपी आप अगर बनाएंगे। तो अभी हो गया था डिनर का टाइम, और हम लोग घर बैठ के बिल्कुल फेट अप हो गए थे। ये फर्स्ट फ्राइडे था कि हम लोग घर में बैठे हुए थे। तो लंच करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो गाड़ी में थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कुछ खाकर आते हैं डिनर में। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे, ये एक बेकरी है जिसका नाम है अल मुख्तार बेकरी, और इनकी शारजा में भी ब्रांच है, अजमान में भी है, और दुबई में भी है। ज़्यादातर हम लोग दुबई में जाते हैं या शारजा में भी चले जाते हैं, लेकिन आज जो है आज हम लोग आए थे अजमान में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आज इनकी अजमान वाली ब्रांच में जाते हैं। तो ये एक लबनानी रेस्टोरेंट है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इनके फतायर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे, अथेंटिक प्योर लबनानी फतायर जो हैं वो होते हैं इनके। और यहाँ पे और करने वाले थे हम लोग अपने खाने का ऑर्डर। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर फतायर खाते हैं, और वो हमारे फिक्स हैं। हम लोग यहाँ पे चिकन का फ्राई ले लेते हैं, इनका पिज़्ज़ा लेते हैं चिकन का, कभी मोटरेला का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का होता है, या फिर हम लोग इनका मिंट का मीट का फ्राई लेते हैं, फ्राई विद चीज़। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, मेन्यू को देख रहे थे कि क्या चीज़ ऑर्डर की जाए, तो ऑर्डर कर रहे थे। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इनकी ये वाली ब्रांच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनकी दूसरी वाली ब्रांच जो है दुबई, उसके बनिस्बत में ये वाली ब्रांच जो है वो ज़्यादा अच्छी थी। तो ये ऑफर्स थी यहाँ पे वुमेंस डे की पूरे वीक में, मतलब डेली बेसिस पे ऑफर थी, और 50% डिस्काउंट था वुमेंस के लिए, 10 दरहम में भी कुछ था, 50 दरहम में भी था, और 20 दरहम में भी था। तो मैं ये देख रही थी, और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मैं
आऊंगी वीकडेज में किसी ना किसी दिन यहाँ पे ये ऑफर को भी गेट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था अपने लिए ऑर्डर, वही ऑर्डर जो हम लोग हमेशा करते हैं। और साथ में मैं देख रही थी इनका मेन्यू, मेन्यू में इनके पास जूसेस हैं, किड्स जूस है, ड्रिंक है, पिज़्ज़ास हैं बहुत तरह के, और पेस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ तरह की पेस्ट्रीज हैं, और मिनी पेस्ट्रीज भी हैं, मनाकिश हैं, फताइर हैं। तो सबके नाम पढ़ रही थी और देख रही थी, डेजर्ट है इनके पास और काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा डिफरेंट था दुबई वाली ब्रांच से, क्योंकि दुबई वाली ब्रांच थोड़ी सिंपल है और ये शायद अभी न्यू बनी है, इसलिए ये ब्रांच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका जो इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ऑर्डर देने के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से उठूँ, थोड़ा सा जाऊँ और वीडियो बनाऊँ और आपके साथ यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊँ, रिव्यू दूँ इस पूरे ब्रांच का। तो हस्बैंड और बेटा चले गए थे वॉशरूम में हाथ साफ करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, और बाथरूम में। और मैं यहाँ से उठकर आ गई हूँ, दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो इस साइड पे आई थी, तो ये है इनके केक्स। केक्स में इनके पास स्ट्रॉबेरी वाले हैं, डार्क चॉकलेट है, लाइट चॉकलेट है, कैरेमल है और कैरेट केक्स हैं। और साथ में ये पेस्ट्रीज हैं, इसमें भी आपको हर तरह की पेस्ट्रीज नज़र आएंगी। चॉकलेट है, मुख्तलिफ नाम है, डार्क चॉकलेट के हैं, लाइट चॉकलेट के हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी पेस्ट्रीज भी। और उसके अलावा इसके साथ इनकी ये स्वीट्स पड़ी हुई हैं, इनकी ये स्वीट्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। और इसमें एलमंड है, काजू, पिस्ता, बादाम, हर तरह की इन लोगों ने ड्राइनर्स यूज़ किया होता है, और चांदी के वो जो चांदी के वर्क होते हैं वो भी ये लोग यूज़ करते हैं। और इनमें से मैं यहाँ जो आदमी खड़ा था उससे कुछ के नाम पूछ रही थी, और उसने मुझे बताया कि इनमें से किसी का नाम लयाली है, कुछ लबने हैं, गुल्लक है नाम, बस बस बूसा है, और उसके अलावा साहलब है, कनाफा है, अरेबिक स्वीट्स है मुख्तलिफ तरह की, और एक बता रहा था ये शाबियात है, और एक ये वाला जो है ये हमारा मोस्ट 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 फेवरेट है। हम लोग जब भी यहाँ पे जाते हैं हम ये खाए बगैर कभी भी वापस नहीं आते खाना खाने के बाद। इसका नाम है कताइफ बी कुश्ता, ये इसका नाम है। और अगर आप मेरे कहने पे कभी यहाँ जाएं तो ये लाजिम खाएं कुश्ता। मतलब ये आपको एलमंड के साथ भी मिलता है और आपको ये पिस्ते वाला भी मिलता है और अखरोट वाला भी मिलता है, और तीनों जो है वो बहुत मज़े के होते हैं। चीज़ वाला भी होता है, करीम वाला भी होता है, मुख्तलिफ तरह के हैं। और ये है बखलावा और हलावा, ये मुख्तलिफ नाम है इनकी स्वीट्स के। हलावा तल जबना है, मामूली है, मुगली है, मदाविया है, हशमिस है, हशेम्स है, स्वीट्स वम चिली के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये जो है ये साहलब है, और ये पहले हम लोग दूसरी जगह पे रहते थे अजमान में, तो हमारे घर के सामने लबनानी फैमिली एक रहती थी, तो वो रमज़ान में ये साहलब बनाते थे। और इसके ऊपर बनने के बाद ये सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती थी आप यकीन करें। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अपनी फैमिलीज़ में, तो उन्होंने हमारे घर भी भेजा था, तो हमने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये इनके मुख्तलिफ तरह की रोटियां हैं, जैसे हमारी रोटी होती है इनके खुबस हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, बिस्किट हैं जो कि ये लोग अपने कहवे और चाय के साथ पीते हैं, और कपकेक्स पड़े हुए हैं, ये मिनी पेस्ट्रीज पड़ी हुई हैं। तो आई मीन इतनी ज़्यादा यहाँ पे सफाई होती है, इतना ज़्यादा मैनेज किया होता है, इतने तरीके के साथ चीज़ें रखी होती हैं, आपको कोई चीज़ भी गंदी नहीं लगेगी। और यहाँ से मैं ये भी लेकर जाती हूँ, इसे मामूल बोला जाता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, चाय या कॉफ़ी के साथ खाए जाते हैं। और इसमें भी इनके पास बादाम वाला मामूल भी था, अखरोट वाला भी था, और काजू वाला भी था, तो हर तरह के थे। तो मुझे इनकी ये वाली जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत पसंद आई ये। और दूसरी बात अच्छी ये थी कि ये अजमान में थी, लेकिन यहाँ का फतायर इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था जितना कि अजमा दुबई में हम लोग खाते हैं, वहाँ का मज़ेदार होता है। तो हर जगह की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, या शायद यहाँ पे इसी बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो हमें फ़तायर का उतना मज़ा नहीं आया जितना हमें दुबई में बैठ के खाने का आता है इनके फ़तायर का। तो लुक वाइज ये ब्रांच बहुत अच्छी है, बहुत ही
प्यारी है, लेकिन फ़ुताइर इनका हमें इतना अच्छा नहीं लगा। फ़ुताइर हमें दुबई का ज़्यादा पसंद है, या हम वहाँ के बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं इस वजह से। तो इसका मैं पूछ रही थी, तो ये आदमी बता रहा था कि ये भी इनकी कोई एक डिश होती है और इसे महदाविया बोला जाता है। एनीवेज, ये थी यहाँ की सारी चीज़ें। और अभी आई थिंक हमारे यहाँ जो था वो खाना आने वाला था, हमारा वो जो खाना कह रही हूँ, हमारे फतायर्स आने वाले थे। और ये सामने सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर तरह का कॉफ़ी और जूस मिलेगा। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के साथ है काउंटर, कैश काउंटर। तो ये ओवरऑल इस ब्रांच की लुक है। तो आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिटिंग प्लेस पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये आगे थे हमारे फतायर और हम लोग खाएंगे अभी खाना। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम खाएंगे अपना खाना, एंजॉय अपने फतायर एंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मेरा है न्यू चैनल और मुझे चाहिए आपका साथ, ताकि आने वाले वक्त में मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोज शेयर कर सकूँ। और ये व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पर ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम लोग बैठे